जा रहा हूँ लंदन। लंदन किस लिए? इसके पार्लियामेंट के बारे में पूरा समझाने में लगी हुई है। वो जगह है जहाँ पे एमपी आके लोगों से मिलते हैं। एमपी ने ये चीज दी है मुझे, यूके के एमपी ने। हेलो सोनिया, हेलो फ्रेश वाली कंपनी की तरह हेलो सोनिया। हाँ क्या चाहिए? ये पहनने की कोशिश कर रहा है अपने क्रॉक्स को। पहना दो ये सॉक्स। यहाँ पहना दो। अपनी सॉक्स लेके बैठा हुआ है जिसे पहननी है। चलना है मम्मा सर, जाना है। यू वांट टू गो विद मम्मा? ये खाया क्यों नहीं? एप्पल खाना है? चलना है? नहीं चलो फिर। आपका बैग कहाँ है? वो बैग कहाँ है? ऐसे वैसे बैग बैग कम। लेट्स टेक योर बैग। बाय कर दो पापा को। और दीदी को बाय शौर्या, बाय बाय यशिका। किसी अजन तेरे को नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। तू क्या ऐसा कर रहा है? तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द व्लॉग। और बच्चे तैयार व्यार होके भाई जा चुके हैं स्कूल। कोई जा चुका है नर्सरी, शोर नर्सरी चला गया है। यशिका स्कूल के लिए गई है। गई क्या है अभी? सोनिया गई हुई है उनको छोड़ने के लिए। तो सोनिया ने बोली कि आप है ना पीछे से चाय बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चाय बना लेता हूँ, क्योंकि फिर उसको अपने ऑफिस के काम में लगना है। मंडे है ना, काफी बिजी होता है उसके लिए। तो आज मेरी ये छुट्टी, तो मैं जाने में लगा हूँ कहीं पे। वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, काम पे जा रहा हूँ। तो ट्रेन में बैठेंगे, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी मेरे को है ना ट्रेन के लिए भागना है। तो मेरे को सोनिया ने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये खा पी लेना, रेडी हो जाना। जैसे ही वो आएगी मैं बस निकलूंगा और वो आएगी। सोनिया ने ना ये मेरे लिए मस्त वाला शेक बनाया हुआ था, इतना तो मैं पी गया। मतलब मेरा और यशिका का बनता है डेली सुबह, तो आधा यशिका का होता है आधा मेरा। तो इसमें काफ़ी सारे नट्स वगैरह होते हैं, बनाना होता है, दूध होता है, और मीठे के लिए अंजीर होती है थोड़ी सी, और सेब है। आधा यशिका का था आधा मेरा। हम ऐसे खाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि यशिका मैं बोलता हूँ जो मैं खाता हूँ वही तेरे को खाना पड़ेगा सुबह सुबह। तो ये पहली चाबी मेरी। तो मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, अब ट्रेन चलने वाली है थोड़ी देर में। तो मैं आया जा रहा हूँ लंदन। लंदन किस लिए? कि लंदन मुझे थोड़ा सा काम है। यहाँ पे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक इवेंट है, उसमें इंडियन लीडरशिप से रिलेटेड कुछ इवेंट है। तो बाकी मैं इवेंट को आप लोग दिखाऊंगा, लंदन घुमाऊंगा आज मैं इस व्लॉग में आप लोगों को। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहना मेरे साथ। तो पहुंच चुकी है ट्रेन यहाँ पे लंदन ह्यूस्टन एयरपोर्ट पे। हमारे जो स्टेशन है ना कमेंट्री, वहाँ से सीधी है यहाँ की ट्रेन। काफ़ी बिजी होता है ये। अभी तो मैं शायद बिजी आवर्स में आया भी नहीं हूँ, थोड़ा सा अलग टाइम पे आया हूँ, थोड़ा लेट है। अगर अर्ली मॉर्निंग में आओ ना 7-8 बजे, तो काफ़ी बिजी होता है। इतना नाम है लंदन लंदन, लेकिन जो इनके ट्रेन स्टेशन वगैरह हैं इतने साफ सुथरे नहीं हैं जितने मैंने और यूरोप के कंट्रीज में देखे हैं। और मैं ये लंदन पहुंच चुका हूँ। अभी जैसे ही बाहर निकला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ मेरे सामने का व्यू क्या है। ट्यूब से निकलते ही, ट्यूब स्टेशन से ये व्यू आता है बिग बैन का। बिग बैन की एक क्लॉक तो बहुत फेमस है, क्योंकि पीछे पार्लियामेंट है। तो उस तरफ लंदन ब्रिज है, तो उस तरफ से हम निकल के जब आए तो ये बिग बैन इस तरफ था। अब ये इस तरफ पूरी है पार्लियामेंट की एरिया। और ये झंडे वंडे लगे हैं भाई, इनका नहीं पता क्या चक्कर है। बिजी देखो, ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पे, निकलने का मौका बड़ा कम ही मिलता है। इस तरफ जाना है हमें आगे की तरफ। ओ भाई यहाँ पे तो लोग चल ही रहे हैं, देखो आगे और ऐसे इस तरफ। भाई ये तो अच्छा लग रहा है, ये पुलिस वाले खड़े हैं। अगर हमारी वाली पार्लियामेंट होती ना तो मतलब इतनी पास तक तो आने ही देते, जैसे यहाँ पे है ना काफी पास तक आप आ सकते हो। लोग की तैयारी नहीं हो रही।
जाना कहाँ से है एंट्री का? अब हम तो घूम रहे हैं, हम तो देख रहे हैं बिल्डिंग को। ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू। ओके तो भाई पूछ लिया तुम्हारे लिए कि तुम फोटो वगैरह ले सकते हो। दो रूम का यहाँ पे आप व्लॉगिंग चल रही है। तो भाई ये पार्लियामेंट है यूके की जिसके अंदर हम घुसने में लगे हुए हैं और ये चेक हो रहा है भाई। पार्लियामेंट वाली पुलिस है, वैसी नहीं है। जनरली भाई हम ना बाहर से ही देखते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो बिग बैन है वो बिल्कुल पास से, जो इनके पार्लियामेंट के अंदर से आके आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। ये भाई पार्लियामेंट के अंदर भी काफी भीड़ है, लोग शायद घूमने फिरने आए हैं देखने के लिए। इस व्लॉग को भाई लाइक जरूर करना पड़ेगा क्योंकि अंदर तक की वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे आके किसी ने दिखाई होगी किसी व्लॉगर ने। तो ये भाई वो जगह है जहाँ पे BBC वगैरह या जो भी टीवी रिपोर्टर्स आते हैं ना, जब उन्होंने बोला था ऋषि सुनक हमारा PM बन गया है सब कुछ, तो ये एरिया है वो। अभी अंदर जाएंगे, अभी पार्लियामेंट का अंदर की और भी आगे जाके पार्लियामेंट के अंदर घुसेंगे। पुलिस बहुत है यहाँ पे चारों तरफ। ये शायद गिफ्ट शॉप वगैरह, भाई ये गिफ्ट शॉप है क्या ये? अच्छा बैग वगैरह यहाँ रखने हैं, बैग रखने हमें शायद कुछ, हम लोग को हेडफोन माइक वगैरह देंगे ना। हाँ हाँ बैग यहाँ रखने हैं, नेम प्लेट लगी है कि वो यहाँ पे आए थे। बच्चे आए हुए भाई बहुत सारे। हम ये पार्लियामेंट के और भी थोड़ा सा अंदर आ चुके हैं और अगर इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन अगर आप लोग देखो ना यार, बहुत ही सही बना रखा है, ठीक है। और ये बंदी जो गाइड है जो इनको बता रही है इसके पार्लियामेंट के बारे में, पूरा समझाने में लगी हुई है। अच्छा लग रहा है यार, मतलब थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अब ये जो बना रखे हैं ये शायद डिफरेंट डिफरेंट वो हैं, यहाँ के कोई किंग वगैरह जो रहे होंगे उनके स्टैचूज बना रखे हैं। तो ये पिट है, इसका अलग नाम है, इसकी शायद नेम प्लेट चली गई कहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। जैसे ये भाई हैं जो हेनरी ग्रेटन, ये 1746-1829, तो ये MP4 यहाँ के MP थे। तो अलग अलग बंदों के बारे में यहाँ पे इस तरफ बता रखा है। UK की पार्लियामेंट दिखाने के चक्कर में भाई एक लाइक तो बनता है मेरा। ये भाई हम उस रूम में पहुंच चुके हैं अंदर। बस वो पीछे वाली पेंटिंग मत देखना अगर आप लोगों को दिख जाए तो, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। ये भाई एक्चुअली में वो जगह है जहाँ पे MP आके लोगों से मिलते हैं, बात बात करते हैं, तो पूरा उस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूनियन मेंबर्स हैं, ये सारे। फाइनली भाई हमारा इवेंट हो गया यहाँ से, अब हम जा रहे हैं। और ये काइंडली दो बच्चे मिले जो लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में और स्टूडेंट यूनियन के नहीं हाँ प्रेसिडेंट है, हाँ इंडियन सोसाइटी, और ये वाइस प्रेसिडेंट है। तो सेम यूनिवर्सिटी में हो? अच्छा तो ये यार बड़ा अच्छा, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे यंग बच्चे आए थे, बाकी चले गए। मैट दिस लवली लेडी ओवर है, व्हाट्स नेम, सॉरी सबीहा, सबीहा। तो भाई ये अभी हमारा इवेंट खत्म होने के बाद है ना, हम यहाँ पे आए हैं थोड़ा पब में, यहाँ पे थोड़ा सा ये अमित भाई हमारे पीछे एंड आपस में थोड़ा सा चिट चैट हो रही है, नेटवर्किंग साइड काइंड ऑफ हो रहा है। एंड या इट्स नाइस मीटिंग यू and definitely yeah we'll have a chat on phone, yeah definitely. Oh wow, kya hai bahut tez, mere paas mein 3 minute the train tak pahunchne ke liye, ab to pahunch gaya finally train tak, bahut jald saans chadh gayi, exercise hogi puri aaj, gym kar yahi nikal gaya. Ye train hai khadi bhi abhi nahi nahi hai, aur to subah bhi hai na, bhagte bhagte mili train aur abhi bhi भागते भागते मिली है। इवेंट सच में अच्छा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, MP से काफ़ी सारी बातें करी, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर हुए, स्टूडेंट्स के बारे में बातें करी कि स्टूडेंट्स क्या मिस कर रहे हैं। ज़्यादा लर्निंग दिखा नहीं पाया क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि इवेंट में काफ़ी टाइम लग गया, MPs ने काफ़ी टाइम लिया बात करने के लिए। और उसके बाद अब ट्रेन से पहले हम क्या पब वगैरह मिले थोड़ा सा, अब सीधा यहाँ पे ट्रेन में आ गया हूँ, घर चलते हैं क्योंकि ट्रेन की एक मैंने फिक्स बुकिंग करी थी, ओपन रिटर्न नहीं कर रहा था, फिक्स बुकिंग क्या है उसी टाइम पे आप जा सकते हो, तो इसलिए अब फाइनली घर चलते हैं। जितना भी बनाया है आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, देखते हैं घर पर क्या हो रहा है। तो वापस पहुंच गया भाई, ये मेरी गाड़ी जहाँ पार्क करी थी उसकी टिकट है, तो ये टिकट है, अभी वहाँ पे जा के मैंने गाड़ी लगाई थी, वहाँ से गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद घर चलते हैं। अच्छा रहा पूरा, काफ़ी बिजी रहा यार, ट्रेन पकड़ने के चक्कर में जो भागा दौड़ी हुई है ना वो बहुत ज़्यादा वाली हुई। लंदन सॉरी मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा दिखा नहीं पाया क्योंकि इवेंट में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि इधर उधर जाने का मौका ही नहीं पड़ा। ओहो वापस गाड़ी में पहुँच गया भाई। लंदन में तो यार लोग ऐसा मुझे समझ में नहीं आता कि लोग भागते क्यों रहते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भागा दौड़ी हो रही है। कमेंट्री में भी लोग रहते हैं
और दूसरी सिटीज में बर्मिंघम में भी रहते हैं, लेकिन लंदन में तो भागा दौड़ी लगी रहती है। अगर कोई लंदन से है तो इसका कमेंट करके नीचे जवाब देना। आई नो बिग सिटी है, दिल्ली में भी ऐसे ही होता है, लेकिन इतना नहीं होता दिल्ली में जितना यहाँ पे होता है। ट्यूब में भी, वैसे भी सड़कों पे भी, रोडों पे भी, हर जगह लगे रहते हैं। तो ओवरऑल इट वॉज अ गुड इवेंट। वो ये इवेंट क्या था कि भाई स्टूडेंट से रिलेटेड यहाँ पे जो हम कंटेंट बनाते हैं, हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, तो उससे के लिए MPs ने हमें रिकग्नाइज किया है। मतलब MP ने मुझे ट्रॉफी वगैरह भी दी है, साथ में मैं वीडियो लगा देता हूँ। तो उन्होंने वही रिकग्निशन दिया है कि भाई हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ मैं। तो अगर आप लोग कोई स्टूडेंट हो, कोई यहाँ पे UK में पढ़ना आना चाहता है, डेफिनेटली यू कैन कम थ्रू टू मी, आई कैन गाइड यू। नीचे फॉर्म दिया हुआ है, अगर इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड उस फॉर्म को भर सकते हो। एंड मेरी जो गाइडेंस होगी ना, वो आपको कोई भी एजेंट नहीं दे सकता इंडिया के अंदर, उससे तो बेस्ट ही होगी मेरी, क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ के यहाँ पे लेके आऊंगा और आपको यहाँ पे हर चीज में हेल्प करूंगा, चाहे वो स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे यहाँ पे जॉब से रिलेटेड इश्यूज हो, अकोमोडेशन से रिलेटेड इश्यूज हो। तो अगर आप UK में पढ़ना चाहते हो तो डोंट गो एनीवेयर, कम टू मी। नीचे फॉर्म दिया हुआ है, डिटेल भरो, आई विल रीच आउट टू यू। चलो घर चलते हैं। शौर्य, यशिका और सोनिया तीनों वेट कर रहे होंगे। तो मैं वापस घर पे आ चुका हूँ और वो गए हैं, शायद यशिका की क्लास है उसमें ले गई है सोनिया यशिका को, और साथ में सौर्य भी गए हुए हैं। तो अभी आते हैं थोड़ी देर में, तो देखते हैं उनका दिन कैसा रहा। और ये आ चुके हैं वापस बंदे हमारे, क्लास थी इसकी, कैसा रहा आज का? Nice. बढ़िया रहा। यशिका तेरा कैसा रहा स्कूल? शौर्य तेरा कह रहे रहा कैसे? शौर्य नर्सरी कैसी रही? बोलो, वो कह रहे थे नर्सरी वाले, मैं बहुत बोल रहा था आज। आज बोल रहे थे सबको बाय, बोले आज ने जितने बच्चे गए हैं सबको बाय किया। अच्छा, बोला बहुत ही, बोला आज बहुत ही ज्यादा बात की है इसने, खेला है बहुत ज्यादा। मैंने उनसे पूछा, मैं एक बात पूछने, बोले हाँ, मैं जब घर पे इसको हम कोई चीज नहीं देते, मैं पहली बार तो प्यार से बोलता है, मैं दूसरी बार तो ये ऐसा शाउट कर जाता है हमारे ऊपर। हाँ। यहाँ पे भी ये कहता है, कहते नहीं, कहते वो फर्क होता है कि बच्चा घर के माहौल में डिफरेंट बिहेव करता है, और जब नर्सरी में आते हैं तो ना नहीं कहते किसी चीज को, क्योंकि वो जितनी चीजें होती है सब सेफ होती है बच्चों के लिए। यार तो ये तो फिर चीज में हाथ मार, सॉरी ये तो गलत बात है, वहाँ पे इसको बल्कि ऐसे करना चाहिए। फिर क्या है, इसने मेरी चाबी ली थी तब, और जब वो गेट खोलने लगे ना, तो यशिका ने इससे चाबी ले ली, तो इसने एक बार तो बोला दे दे, यशिका ने दी नहीं, इसने इतनी तेज चिल्लाया वहां पे, दे दे। This is what I'm talking about. मैं ये एक बार प्यार से बोलता हूँ, दूसरी बार ये मतलब ऐसे बोलता है कि they know he's not like that. He behaves very nice at nursery. शौर्य घर में ऐसे नाइस बिहेवियर अगर नर्सरी में जाए, इसको सब आता है यार, खोलना देखना, फोन पूरा खोलना आता है। वो भी क्या? अच्छा मम्मी नर्सरी में कैसे रहा? अच्छा कॉल करके दिखाओ, कॉल करके दिखाओ, एक कॉल करना, कॉल पापा को, फोन करना। अब देखो वो खोल दिया, वहां से खोलना भी आता है, ये हटाया, कॉल पापा, पापा को फोन करना, पापा को फोन करेगा, हटा दिया मैंने, अब इसको वो पता नहीं कि निकाल पापा। के तुम, अच्छा व्हाट्सएप निकाल के तुम फिर कर दोगे, अब कॉल करके दिखाना कैसे कॉल कर, पापा को स्वामी के ऊपर गया सीधा, स्वामी को कॉल कर दी, स्वामी को कॉल कर दी, बीबी की कॉल आ चुकी है मेरे पास, बीबी की कॉल आप लोगों को लाइव दिखाया है कैसे ये बीवी को कॉल करता है। अब मैंने फोन उठा लिया है, हेलो क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, बातें करनी है, क्या बातें करनी है, इसको लग रहा है कि यहाँ पे भी आवाज आ रही है, वहां पे भी आ रही है, नर्सरी में क्या किया। और अब ये दोनों बच्चे भाई नहाने में लगे हुए मेरे सामने, मैं इनका वो हूँ सिक्योरिटी गार्ड, और मुंह में क्या है, ए पानी मत पी इसको, पानी साबुन का पानी है, मैं इनका सिक्योरिटी गार्ड हूँ ना। शौर्य, शौर्य थोड़ा नोटी है, शौर्य है ना यहाँ पे भी, यशिका को कह रहा है कि तू थोड़ी सी जगह में बैठ, मैं ज्यादा बैठूंगा, बाथ टब में बैठे हैं दोनों, यशिका को नहीं बैठने दे रहा, तो आज इनका दोनों का टुगेदर नहीं नहीं है, साथ में नहा रहे हैं। नहीं शौर्य नहीं नहीं, नो हीरो बन रहा है ना, बस शौर्य तेरा नहीं नहीं हो गया, अगर तू ऐसे रोएगा तो हम तेरे को नहीं नहीं बंद हो जाएगा, हम तेरे को ले चलेंगे, अब आपको एंजॉय करना है दीदी के साथ, तो यू हैव टू बी नाइस एंड यू नीड टू लिसन, अपनी चलानी है इसको, अपनी चलानी है, दे क्यों, हम जो बता रहे हैं हम सही बता रहे होंगे, जैसे कि आपने पूछा नहीं,
हमारा लंदन का इवेंट आज कैसा था? कैसा था? बहुत अच्छा था। पूछा था? कैमरे में नहीं पूछा था क्या? पूछा नहीं। नहीं मजाक। बहुत अच्छा लगा। आप ये लेके आए? इस पे नाम लिखा है राजीव सांगवान वी वैल्यू योर सपोर्ट। भाई मैं स्टूडेंट्स को जो गाइड करता हूँ, हेल्प करता हूँ, उसके लिए जो यहाँ पे एक इंसा ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और प्लस एमपी ने ये चीज दी है मुझे, यूके के एमपी ने, और वो एमपी एक पहला एमपी है जिसने आज तक का कोई एमपी जिसे इंडिया में पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। वेल डन या स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप लोगों को पता है किसको रीच आउट करना है। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आपकी मदद करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूं। आप मुझे वोट दें। मजाक कर रहा हूं। नेता इधर नहीं हो रहा, आज पार्लियामेंट में जाके आए हो ना सोनिया? नहीं सोनिया, आज पार्लियामेंट में जाके आए हो तो वो नेता वाली फीलिंग आ रही है। सारे नेता सेम होते हैं भाई, कहीं चले जाओ सारे नेता सेम होते हैं, लेकिन बस ये है कि वहां पे बैठे वो दोनों पार्टी के बैठे थे, लेबर के भी कंजर्वेटिव के भी, ठीक है ना? तो आपस में कह रहे कि हमारी कंस्टिट्यूंसी अगर तुम हो तो हमें वोट देना, इनकी कंस्टिट्यूंसी तो इनको वोट देना। तो नहीं ठीक है, लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी है जो मुझे और लगता है कि हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि आप यहाँ पे वोट दे सकते हो। यू कैन यूज योर राइट टू वोट। यहाँ पे रजिस्टर करो अपने आप को और वोट दे के आओ। रजिस्टर करने पे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपका जो भी है ना कि क्रेडिट हिस्ट्री जो है, आगे चल के अगर आपको घर लेना है या कोई भी बैंक से लोन लेना है या फिर कुछ भी ऐसा बैंक से कोई पैसा आपको लोन के टर्म्स में लेना है, तो उसमें वो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो इफ यू आर ए स्टूडेंट इन यूके, मेक श्योर डू रजिस्टर एंड डू वोट, बिकॉज जो भी लोग यहां पर रह रहे हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी है जहां पे यूके ने कभी राज किया था, तो आपका फुल राइट है, आप यहाँ पे वोट दे सकते हो, चाहे किसी भी वीजा पे यहाँ पे हो। हाँ टूरिस्ट वीजा पे हो तो नहीं दे सकते, लेकिन वैसे दे सकते हो। टूरिस्ट वीजा भी दे सकते हैं? नहीं सर, ऐसे कैसे? आप हर चीज में वीजा के, वो कैसे ले लोगे वोटिंग राइट्स? नहीं, रजिस्टर करके दे सकते हो, आपको कोई नहीं पूछता है उस पे वोटिंग, तो रजिस्टर कर दो किस एड्रेस पे रहते हो और पता नहीं, नो कमेंट्स, लेकिन मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो सोनिया ने अब वेजिटेरियन प्रोटीन पे जोर दे रखा है, सोया प्रोटीन। और कोई ऑप्शन हमें बताओ वेजिटेरियन में जो प्रोटीन हम ले सकते हैं? पनीर तो है ही, पनीर, सोया, मटर और बाकी बीन्स वगैरह ये सारी चीजें, दालें वगैरह। इसके अलावा कुछ और बताओ ऐसा हैवी सा। ये होममेड दही, भाई बहुत लोगों ने बोल दिया कि होममेड दही तो दिखा दिया, लेकिन मशीन कौन सी यूज करते हो? मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताती हूँ। पूरा प्रोसेस, दूध ऐसे बॉईल करना है, कंप्लीटली पूरा बॉईल करना है इसका, एक बार देखना इसको भाई को, पूरी तरह से बॉईल करना है ऐसे। अगर पूरा बॉईल नहीं करोगे, एक दिन जैसे मैं लेट हो गई थी तो मैंने ऐसे ही जुगाड़ करने की सोची थी कि थोड़ा दूध मतलब कम उबाला था और फिर उसको करने की कोशिश की तो बहुत पतला जमता है, अच्छा दही नहीं जमेगा, उसको ठंडा करके फिर उसमें थोड़ा सा दही मिक्स करके, दिस इज वेयर वी कीप आवर स्टफ। वो क्या है वो पीछे, किसका सामान है? जस्सू, जस्सू का जस्सू, ओ सारे जस्सू का बोल दो, सब जो भी आता है जो बंदे ऐसे होते हैं। लेकलैंड की मशीन है, मल्टी योगर्ट मेकर, हाँ ये है ऐसे। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो हम नीचे लिंक छोड़ देंगे, अगर हमें याद रहेगा तो, नहीं छोड़ा तो आपको नाम पढ़ लिया उसका आप कर सकते हो, क्योंकि लिंक छोड़ेंगे अगर उस लिंक को यूज करोगे तो कुछ पार्ट हमें एक आधा पेनी परसेंट हमें मिल जाएगा एज ए रेफरल फी। इसमें वो दूध इसमें डलेगा, हाँ, और फिर उस मशीन में ऐसे रखा जाता है और फिर बस ऐसे कवर कर दो, एक बटन है उसमें, उस बटन को प्रेस कर दो, 8 घंटे में मस्त वाला दही रेडी। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो एंड प्रोडक्ट, वो ये है लच्छेदार दही जिसमें ऐसे गोल गोल लच्छे बने हुए हैं, डेली बनता है हमारे घर में और हम डेली मजे से खाते हैं इस दही को। और फिर इसको आप सीधा सीधा ऐसे प्लेट में, चाहे आप पकौड़ों के साथ खाओ, पकौड़ों के साथ तो ऐसे कोई दही नहीं खाता, चाहे आप इसको खाओ पराठों के साथ खाओ, चाहे बाजरे की रोटी के साथ खाओ, चाहे गेहूं की रोटी के साथ खाओ, चाहे मक्के की रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ और पूरा एंजॉय करो। आप आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, अब हमने पूरा प्रोसेस बताया ए टू जेड। कभी मैं फुर्सत से पूरा वैसे भी दिखा दूंगी, स्टेप बाय स्टेप बनते हुए भी। ओके ठीक है, जिस दिन कैमरा मेरे हाथ में। Oh my God. इसी के साथ सोनिया का चैनल का उद्घाटन कर दिया जाता है। सोनिया के चैनल का नाम फाइनल हो चुका है, नाम है सोनिया के चैनल का सोनिया सांगवान। Are you okay with it? I'm not okay. Yeah, Sonia talks. Something more interesting. Sonia speaks. Sonia speaks. No, we want something interesting. Hello, Sonia. Hello, Sonia. Hello, Fresh वाली company की तरह Hello, Sonia. Hello, Sonia. Hello, Fresh. Lovely Sonia. Kind Sonia. You're just using D.
different words that are like simply Sonia. ये आया था किसी का कमेंट आया था simply Sonia will be nice. मतलब कुछ ऐसा जो कैची हो थोड़ा बोलने में भी आसान हो. लेकिन सोनिया तो होना चाहिए ना उसमें. हमारी सोनिया, तुम्हारी सोनिया, सबकी सोनिया. अम्बा जमाई कोनी. अच्छा भाई क्या रखे हैं यार तुम तो बड़े यार. वो इससे ज्यादा सोनिया सांगवानी रख देते हैं. बस फिनिश करते हैं. औसम सोनिया, औसम सोनिया, औसम सोनिया टॉक्स, औसम सोनिया टॉक्स, औसम सोनिया टॉक्स. ओ माय गॉड. सजेशन एएसटी औसम सोनिया टॉक्स. यस पापा ईटिंग शुगर. नो पापा टेलिंग अ लाई. ऊपर आ चुका हूँ मैं सोने के लिए. अभी सोने आने से पहले मैंने यशिका और शौर्य इनको सुलाया. पहले मतलब शौर्य को सुलाया, उसके बाद अभी यशिका तो सो गई है, खुद से ही सो गई थी. ठीक है अब सोनिया नीचे रैप अप कर रही होगी, किचन वगैरह कुछ कर रही होगी जो भी है. या बुक भी आजकल उसने नई बुक स्टार्ट की है वो पढ़ रही होगी, शायद नीचे पढ़ने लगी होगी. तो यही था गाइस आज के इस व्लॉग में. आई होप और बहुत टायर्ड हो चुका हूँ मैं. रीज़न क्या है, क्योंकि भाई लंदन जब जाते हो नीचे लंदन में बहुत घूमना पड़ता है, वॉक करनी पड़ती है. जो मेट्रो है, ट्यूब है, जो लंदन कह सकते हो, उसके लिए काफ़ी ऊपर नीचे होता है मतलब. तो और बाद में मुझे ट्रेन पकड़नी थी भाग के, तो उसमें काफ़ी रनिंग करी. मतलब जो एस्केलेटर थी ना वो काफ़ी लंबी लंबी थी और भाग भाग के चढ़े. तो यही था इस व्लॉग में. आई होप लोग व्लॉग अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता है क्या करना है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना.